हेलो दोस्तों, ये आईफोन 15 प्लस है। तो आईफोन 15 और 15 प्लस में लगभग सेम ही, ये मॉडल का कोई मतलब इशू नहीं है। ये जो पीछे का स्क्रीन गार्ड जो लगता है, वो कैसे लगाना है, सही तरीका क्या है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम अच्छे से देखें, इसकी वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको लगाना चाहिए, ठीक है। और वो भी ऐसे जो कि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जहाँ जहाँ पे जैसे स्पीकर, चार्जिंग, माइक, वॉल्यूम, पावर का जहाँ जहाँ यानी मतलब बटन का जो वहाँ छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले कटर के माध्यम से वहाँ से अलग कर ले, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी सेम इसी तरह करना है। फिर बीच में यहाँ पे आपका आईफोन लोगो जो है, उसको भी आप यहाँ से हटा ले। और अभी नहीं हट रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे नीचे वाला जो है, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ वन नंबर, तो इसको बेझिझक यहाँ से आप निकाल दें, ठीक है। एकदम बेझिझक निकाल दें यहाँ पे। जैसे अब निकालते हैं, उसके बाद आसानी से ये लोगो जो है आसानी से यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अलग हो गया। बीच में आईफोन वाला लोगो है, इसको भी यहाँ से आप आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है। वन नंबर को हटा के एकदम सेट कर देना है। अब एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से एकदम करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो कि हम कर चुके हैं पहले से। उसके बाद जो यहाँ सेंट्रल यानी करना क्या, आपको जो आईफोन का लोगो है, सबसे पहले उसको बैठाना है। और उसमें पहले ध्यान से देखना है कि मेरा सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मिला लेना आपको सही से, एकदम लोगो को एकदम परफेक्ट बैठाना है वहाँ पर, तब जाके आपका सही से यह बैठ पाएगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम सेंटर मिला चुके हैं, यहाँ पे मेरा बैठ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे का क्या प्रोसेस है वो आप देखें, ठीक है। जैसे आपका होता है, उसके बाद इधर पीछे की ओर दबा दें, उसके बाद जो है दो नंबर नीचे से एक लेयर जो है वहाँ से निकाल लें। उसके बाद अच्छे से, जैसे कि हम देख सकते हैं एटीएम कार्ड है आपके पास, कोई भी ऐसा चीज़ है जो अच्छे से आप कर सकते हैं, तो उससे भी आप कर लें। उसके बाद जैसे यहाँ से दो नंबर को निकालें, उसके बाद बचा आपके पास तीसरा नंबर, ठीक है। तो तीसरे नंबर में क्या करना है, इधर से अवर पकड़ के फिर तीसरे नंबर को इधर से हटा देना है, ठीक है। तीसरा को अवर इधर से हटा के फिर यहाँ से आपको एकदम अच्छे से एकदम दबा के करना है, क्योंकि एयर ना आए। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका नहीं आता है, एयर वाला यानी कोई कहानी नहीं है, आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छे से यानी दबा के इसको ये करने से तब जाके सही होता है, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सही से हम कर चुके हैं, अच्छे से बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से दो है, ठीक है, जो कि एक फ़ोन में सटेगा। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम घीच घीच के इसको अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है, दबा दबा के पूरा इसको बैठाना है, ठीक है। और ऊपर से एक फिर से एक रेपर फिर से निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे कर लेना, परफेक्ट एकदम बैठाना है, एकदम दबा दबा के वहाँ पे। पूरा मिला के बैठा लेना आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप ध्यान दें यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लगाने के बाद एक लेयर और मिलेगा, उसको कैसे करना है। यहाँ पे आप जैसे लगाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे सट ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जो सटने का है वो ऑलरेडी सट चुका है, और जो बचा हुआ उसको पहले यहाँ से निकाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम अब निकाल लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं एक लेयर जो और बचा हुआ है,
उसको फिर निकाल लेना है। ठीक है, तो हम निकालने को जा रहे हैं, देख सकते हैं हम निकाल लिए। अब देख सकते हैं कितना फिनिशिंग है, एकदम परफेक्ट यानी बैठ चुका है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह लगाए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरे इस चैनल पे आप नए तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है,